हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 10 थिंग्स दैट यू मस्ट नो बिफोर बाइंग अ पैरेट फिश। 10 चीज ऐसा है जो कि आप लोगों को पहले से जान के रखना चाहिए जब भी आप एक न्यू पैरेट फिश बाय कर रहे हैं। अगर आप एक पैरेट फिश बाय करने का सोच रहे हैं या फिर पहले से ही अगर आपके पास एक पैरेट फिश है, तो ये 10 चीज आप लोगों को जरूर जान के रखना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में आप लोगों को किसी भी तरीके का परेशानी ना आए इस फिश को लेकर। इसलिए ये वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारा ऐसा शॉकिंग चीज भी है जो कि आप लोग पहली बार इस फिश के बारे में जानेंगे, इसलिए भी ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस फिश का। सबसे पहला जो चीज आप लोगों को जान के रखना चाहिए वो होता है इसका अग्रेसिव बिहेवियर। ये फिश बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा। इसको अपने टैंक में एडजस्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, खास करके अगर आपके पास एक छोटा टैंक है तो छोटा टैंक में एडजस्ट करना थोड़ा सा और मुश्किल होता है। अगर आपके पास एक बड़ा टैंक है तो उसमें इस फिश को रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये फिश बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है। अगर ये 2 या 3 अगर आप बाय करके लेके आइएगा तो देखिएगा उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा फाइट होगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है ये फिशेस दूसरी फिशेस को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगती है, जो भी दूसरा आपका टैंक मेट्स वगैरह है। इसलिए इस फिश को एक टैंक में कंट्रोल करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कई लोग क्या करेंगे, इसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक रख सकते हैं अपने टैंक में, लेकिन 3 महीने 4 महीने बाद अचानक से पता नहीं ये सारी फिशेस को क्या होता है कि ये दूसरे फिशेस को बहुत ही ज़्यादा बुली करने लगती है, परेशान करने लगती है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेस करने लगती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है अग्रेसिव फाइट के बीच में उन लोग एक दूसरे का आइज वगैरह तक को भी खा लेती है। इसलिए इस फिश का कभी भी हम लोग कोई बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब क्या कर सकती है। बट आप लोगों को बस इतना चीज़ ये जान के रखना है कि ये फिश अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो ये फिश बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है। सेकेंड नंबर पे आता है इसी से रिलेटेड, ये फिश को ग्रुप में रहना पसंद है। इसलिए अगर आप इस फिश को 2 या 3 क्वांटिटी में बाय करके लेके आएगा तो डेफिनेटली 2 या 3 में लोगों को बहुत ही ज़्यादा फाइट वगैरह होने लगेगा। लेकिन वैसे ही अगर इसका क्वांटिटी को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा, मिनिमम भी कम से कम मेरे ख्याल से 10 to 12 फिशेज़ को अगर आप डाल के रखिएगा तो आप देखिएगा वो लोग के बीच में जो फाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप छोटे क्वांटिटीज़ वगैरह में रखिएगा या फिर फिशेज़ का साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। छोटी फिशेज बड़ी फिशेज के साथ रखिएगा तो बड़ी फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुली करेगी छोटी को और मे बी उसको कम्प्लीटली मार के ख़त्म भी कर सकती है। इसलिए जो भी फिशेज आप बाय कर रहे हैं सेम साइज़ की होनी चाहिए और ह्यूज क्वांटिटीज़ में बाई कीजिएगा जिससे कि ये सारी फिशेज जो बहुत इत्मीनान से हैप्पीली रह पाए। इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहले से बहुत सारा वीडियोज़ है कि क्या क्या हम लोग टेक केयर वगैरह करना चाहिए जिससे कि मेरी फिशेज अगर बहुत ज़्यादा फाइट करिए तो उसका अग्रेसिव बिहेवियर को कैसे कम करें, ये सारे चीज़ के ऊपर मैं पहले से बहुत सारा वीडियोज़ है। वो सारे वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वगैरह बना हुआ है, पैरेट ऑस्कर सब फिशेस का अलग अलग बना हुआ है, तो वो सारा प्लेलिस्ट को भी ज़रूर से जाके चेक कीजिएगा। बहुत ही सारा हेल्पफुल वीडियोज़ वहाँ पर है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पे आता है ये फिशेस, अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है और अगर आप इस फिश को बाय करने का सोचे तो सबसे बेस्ट चॉइस है ये, क्योंकि ये फिश बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है और ये आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी देगी। ये फिश देखिएगा इसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होता, अगर ये कभी कई बार ऐसा भी होता है ज़्यादा पैलेट्स वगैरह खा लेंगे तो इससे भी उसको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी फिशेज जैसे कि गोल्ड फिशेज। बहुत लोग फर्स्ट टाइम खरीद लेते हैं, कोई फिशेज का बहुत सारा वेराइटीज़ आता है वो सारे को अगर खरीद लेते हैं तो वो सारी फिशेज अगर एक बार में बहुत सारा पैलेट्स वगैरह खा लेती है तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसके बाद वो लोग मर जाती है। लेकिन ये फिश के साथ ऐसा नहीं है, ये फिशेज बहुत ही ज़्यादा एडेप्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे गलती को भी आप लोग स्टार्टिंग के टाइम पे वो सहन कर लेती है और मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा इस टाइप की फिशेज को स्टार्टिंग के टाइम में बाय कीजिए, क्योंकि ये सारी फिशेज बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है, बहुत जल्दी नहीं मर जाती। अगर आप कोई बहुत बड़ा गलती कीजिएगा तभी ये सारी फिशेज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरने लगती है, वरना ऐसी ये फिश बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है। फोर्थ नंबर पे आता है ये अपने ओनर को बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकती है। अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है अगर इस फिश को बाय करने का सोच है तो वो आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा कर देगा, क्योंकि ये देखिएगा अपने ओनर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, वो अपने ओनर को पहचानता है। अगर आप सही से इसका टेक केयर वगैरह कीजिएगा, सही से वाटर चेंजेस वगैरह कीजिएगा, इसको ज़्यादा अगर हार्म नहीं करिएगा तो ये देखिएगा आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, आपके साथ खेलेगा, कई बार आपको अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा
बहुत ही फ्रेंडली फिश होता है, बहुत ही ज़्यादा अपने ओनर के साथ कम्युनिकेट करता है, जो कि एक डॉग अपने ओनर के साथ जैसे करता है, हैप्पी हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, अपने टेल को वैग करता है, वैसे ही ये फिश बहुत ही ज़्यादा भूखी रहेगी या फिर बहुत देर बाद जब आपको देखेगी तो वो अगर फिश पड़ी है तो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, जैसे डॉग अपने टेल को वैग करता है वो वैसे ही मूवमेंट में एकदम स्विम करने लगेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इसलिए भी इस फिश को अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर से बाय कीजिएगा, ये आपको बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस देगा। फिफ्थ नंबर पे आता है, ये फिशेस मॉन्स्टर फिशेस होती है। मॉन्स्टर फिशेस क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, ये कई बार अपने टैंक में भी 10-11 इंचेस की भी बहुत ही ईजली हो जाती है। ये फिशेस का जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए अगर आप इस फिश को अपने टैंक में रख रहे हैं तो सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिएगा आपका टैंक जो वो बड़ा है, टैंक अगर बड़ा रहेगा तभी आप इस फिश के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आपके पास एक छोटा टैंक है तो मैं आप लोग एकदम भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस फिश को बाय करने के लिए। मिनिमम भी इस फिश का जो टैंक साइज़ आप लोगों को चाहिए होगा वो मिनिमम भी 3 फीट का तो चाहिए होगा एक से दो फिश के लिए। उससे ज़्यादा फिशेज़ अगर आप रखिएगा तो फिर अब बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, वो एक्वेरियम जो है उसको आपको बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन उसका पावरफुल करना हो, उसके बाद भी आप उस फिश को उतना सारा 3 फीट के टैंक में नहीं रख पाइएगा। 3 फीट के टैंक अगर है आपके पास मिनिमम तो उसमें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ एक ही फिश डालिए, ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, किसी के बीच में फाइट भी नहीं रहेगा और फिशेस मेनली उसमें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी। सिक्स्थ नंबर पे आता है, ये फिशेस को नॉन वेज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नॉन वेज में ये कुछ भी खा लेगा, अगर अपने टैंक में कोई भी चीज़ दीजिएगा नॉन वेज वो सब कुछ खाएगा, चिकन हार्ट, चिकन लिवर, ड्राइड श्रिम्प, ऐसे लाइव श्रिम्प्स वगैरह वो सारे चीज़ को भी, अर्थ वॉर्म्स, मॉस्किटो लावाज, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, सब कुछ जो भी चीज़ नॉनवेज, अगर आपके टैंक में गलती से कोई भी चीज़ गिर जाता है वो उसको डेफिनेटली खा लेगा। ये फिश बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है, इसको हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है और टैंक में जो भी चीज़ गिर जाने से उसको डेफिनेटली वो खा लेता है। ये भी एक फिश का बहुत ही अच्छा बिहेवियर है कि हमको ज़्यादा परेशानी नहीं है तो आप पैलेट्स वगैरह को लेकर, लेकिन तब भी आपको पैलेट्स वगैरह हेल्दी फूड्स वगैरह भी दे के रखना पड़ता है, जिससे कि ये लोग का कलर्स वगैरह जो है, ये लोग का ग्रोथ जो है वो भी सही से हो। सेवेंथ नंबर पे आता है, ये फिशेस काफ़ी टाइम तक आप लोगों के साथ रह सकती है अगर आप इस फिश का बहुत अच्छे से टेक केयर कीजिएगा तो। आप शॉक में आ जाइएगा, ये फिश बड़े इत्मीनान से 10-12 ईयर्स तक आपके साथ रह सकती है, बस आपको उसका अच्छे से देखभाल करना है, रेगुलर बेसिस में पानी चेंज करना है, अच्छा टेम्परेचर रखना है, ये सारी चीज़ से बड़े इत्मीनान से ये आपके साथ काफ़ी सालों तक रह सकती है, जो कि आपको इतने सालों में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि ये फिश इतने सालों में आपको बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाएगी, आपके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेंगे। इसलिए भी इस फिश को अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं और ये फिश काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहेगी, इसलिए आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी, इसलिए भी ये फिश को आप ज़रूर से बाय कीजिएगा। 8 नंबर पे आता है, ये सारे फिशेस को वार्म वाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठंडा पानी एकदम भी पसंद नहीं है। अगर आप ये सारे फिशेस को कोल्ड वाटर या फिर ठंडे पानी में रखिएगा तो डेफिनेटली ये सारे फिशेस को कुछ ना कुछ डिजीज़ होते हुए देखिएगा ही, और आपकी फिशेस जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी, देखिएगा दिन भर बैठे रहेंगे, क्योंकि लोगों को ठंडा पानी एकदम भी पसंद नहीं है। लेकिन वही अगर अपने टैंक का जो टेम्परेचर है उसको वार्म रखिएगा तो देखिएगा ये फिशेस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी, बहुत अच्छी तरीके से फूड्स वगैरह एक्सेप्ट करेगी, कलर वगैरह बहुत ही ज्यादा निखर के आएगा। इसलिए ये सारे फिशेस का टैंक का जो पानी है वो हमेशा वार्म रहना चाहिए, वार्म वाटर रहेगा तो फिशेस जो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगी, हमेशा देखिएगा खेलेगी और फिशेस का जो ग्रोथ वगैरह वो भी बहुत ही ज्यादा तेज होगा। इसलिए अगर आप ये फिश बाय कर रहे हैं तो उसको लिए आपको ठंडे के टाइम में हीटर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठंडे के टाइम में इस फिश को बिना हीटर का आप एकदम भी नहीं रख सकते। 9 नंबर पे आता है, क्योंकि ये सारे फिशेस बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी होती है, उसके साथ ही साथ ये सारी फिशेस को डिजॉल्व ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है जो कि पानी में आपके रहता है। अगर आपके पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इस फिश को ब्रीदिंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, वो फिर सर्फेस में आके ब्रीदिंग करना लगेगी। इसलिए आपके टैंक में एक एयर पंप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ उस एयर पंप को 24/7 रन करना है, जिससे कि इस फिश को किसी भी तरीके का परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सर्फेस में आके ब्रीदिंग नहीं कर सकती। सर्फेस में आके अगर ब्रीदिंग करेगी कुछ टाइम तक करेगी, उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद ये लोग तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने टैंक में एक एयर पंप को इंस्टॉल करना होगा, अच्छा पावरफुल एयर पंप लगाना होगा, जिससे कि लोगों जो ऑक्सीजन है उसका कमी ना हो और इत्मीनान से पानी में स्विम करें।
लास्ट नंबर पे आते हैं ये सारी फिशेस, बहुत ही ज्यादा मोडी होती है, बहुत ही ज्यादा मोडी। देखिएगा कई बार ये लोग मूड नहीं रहता तो दिन भर ग्रेवल्स के ऊपर ही बैठी रहेगी, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगी। टैंक में कोई भी चीज़ अगर आप लगा दीजिएगा, न्यू कोई चीज़ अगर डालिएगा तो देखिएगा उसको एकदम तोड़ के एकदम खत्म कर दीजिए। प्लांट्स वगैरह लगाएगा तो दिन भर प्लांट्स को मुँह से लेके उधर लेके फेंकेगी, फिर उसको उठा के फिर यहाँ उधर लेके फेंकेगी, ये सब चीज़ वो करते रहेगी। उसके साथ ही साथ अगर उसमें टैंक में अगर आपका बहुत सारा सैंड वगैरह, तो सैंड में जैसे चिकन्स लोग कैसे खेलती है वैसी सेम ये फिशेस वो सैंड के साथ खेलने लगेगी। बड़ा अगर रॉक्स वगैरह रहेगा तो वो देखिएगा मुंह से अपना रॉक्स को उठाएगी, इधर फेंकेगी उधर फेंकेगी, एक छोटा सा नेस्ट वगैरह बनाएंगे, तो बहुत ही सारा अमेजिंग चीज़ रहता है। उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ को हार्म भी करती है, अगर कोई पाइप वगैरह है तो उसको बाइट कर लेती है। बहुत बार ऐसा भी होता है बहुत सारा आपका ये हीटर वगैरह का तोड़ देती है वो लोग। हीटर वगैरह का ग्लास बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, पतला होता है, जिसको ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ से स्विम करके लोग तोड़ देती है। तो ये सारा चीज़ का प्रॉब्लम आपके टैंक में डेफिनेटली आपको हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ को देखना भी एक बहुत ही ज़्यादा फन होता है, इसे ये सब चीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट आता है। आप लोग अपने फिशेस को जब देखते हैं ये सारा चीज़ करते हुए, रॉक्स वगैरह के साथ खेलते हुए, सैंड के साथ खेलते हुए, किसी चीज़ को मुंह से उठा के इधर फेंकते हुए उधर फेंकते हुए, ये सारे चीज़ को भी देखना बहुत ही ज़्यादा फन है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन, इसमें से मैक्सिमम जो था वो मे भी आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपको सारा पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा। होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्दी ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।